ऑल राइट दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग? आई एम श्योर बहुत मजे कर रहे होंगे आप सब लोग। और आज हम आए हुए हैं इंदौर के सबसे पुराने मंदिर, जो कि है माँ अन्नपूर्णा का मंदिर। और ये अन्नपूर्णा रोड करके एक जगह है इंदौर में, वहाँ पे स्थित है। और आज हम माता जी के, हमने सोचा कि आप सभी लोगों को दर्शन करवा दिए जाए। मैं और चेरी हम नौवें ही आए हुए हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 9वीं शताब्दी का ये मंदिर है। और ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि माँ अन्नपूर्णा जो है वो भोजन की देवी है, माँ पार्वती का स्वरूप है, और उन्हीं को माँ अन्नपूर्णा बोला जाता है। तो जो हम या फिर सभी जीव जंतु इस दुनिया में जो भोजन प्राप्त करते हैं, वो माँ की कृपा से ही प्राप्त करते हैं। और जिसकी कृपा माँ पर रहती है, वो कभी भी भूखा नहीं सोता है। तो इसीलिए ऐसा भी कहा जाता है कि माँ अन्नपूर्णा इंदौर में विराजित हैं, और इसीलिए इंदौर में कोई भी कभी भी भूखा नहीं सोता। माँ अहिल्या की नगरी में कोई कभी भूखा नहीं सोता है। तो आइए दोस्तों, हम आपको दर्शन करवाते हैं माँ अन्नपूर्णा के। आप देख सकते हैं कितना भीड़ इस एरिया में रहता है। इंदौर के पुरानी बस्ती है ये यहाँ पे। और ये द्वार आप देख सकते हैं, कितना भव्य द्वार है। आपको बताना चाहेंगे, ये जो आर्किटेक्चर है इस मंदिर का, ये द्रविड़ आर्किटेक्चर है, जो द्रविड़ाज हैं। आप इस तरीके का आर्किटेक्चर आपको सदर्न टेम्पल्स में ज़्यादा देखने को मिलेगा। साउथ इंडिया में जो टेम्पल्स रहेंगे, उसका आर्किटेक्चर सेम रहता है। तो अभी हम जा रहे हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए, और आपको भी करवाते हैं। दोस्तों, तो ये महामाई का दरबार है, और आप देख सकते हैं माता के 9 स्वरूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और माँ कालिका, माँ दुर्गा, स्कंद माता, सभी स्वरूप ऊपर दिए गए हैं। ऊपर जो दीवार पे सारी पेंटिंग्स लगाई हुई हैं, ये सारी पेंटिंग्स महामाई के जो लीला हैं अलग अलग, वो आपको देखने को मिलेगी। वाला है दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया था, माँ के मंदिर का जो है जीर्णोद्धार हो रहा है, इसको वापस से रेनोवेट करके और भव्य बनाया जा रहा है। और डेफिनेटली जो हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि ये पूरा यहाँ पर डिज़ाइन है, एक जिसमें आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर ये मंदिर जो है आगे चल के बनने वाला है। और डेफिनेटली जल्दी इसका काम पूरा हो जाएगा, और इंदौर के लिए ये बहुत बहुत बड़ी और गौरव की बात होगी, क्योंकि हमें लगता है ये इंदौर का सबसे पुराना मंदिर है। और यही मंदिर जो हैं पुराने, यही हमारी भारत की सभ्यता है, इसी को हमको आगे लेके जाना चाहिए। तो मैं इंदौर में जो भी सभी लोग देख रहे हैं, या बाहर भी जो भी सभी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, एक बार माता रानी के दर्शन के लिए आप ज़रूर आएँ। और कुछ आप अगर दान देना चाहते हैं यहाँ पर, तो वो भी आप दीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्ट्रक्चर है। और यही सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को पास करेंगे, उनके पास ही ये सारा ज्ञान जाएगा जो आज सजो के रखा जा रहा है। ये मंदिर बनेंगे, यही हमारी सभ्यता को आगे लेके जाएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी आप दान देना चाहें, वो यहाँ पे आके, और यहाँ की जो भी समिति है उसको आप दीजिए, जिससे ये मंदिर बनाने में उनको सहयोग प्राप्त हो। ओके दोस्तों, सो आप देख रहे हैं ये पीछे जो हम आपको अभी छोटा मॉडल हमने आपको बाहर दिखाया था,
फरवरी तक मोस्ट प्रोबेबली ये कंप्लीट हो जाएगा। और आप देख सकते हैं क्या सुंदर नक्काशी इस पे और कारीगरी करी गई है, आपको कोशिश करेंगे पास से ले जाने की। अभी हाँ, माता रानी का टेम्पल ओपन है, जो माँ अन्नपूर्णा का गर्भ है, वहाँ पे आप आगे अभी भी दर्शन कर सकते हैं अगर अभी आप चाहें। ओके, सो माँ अन्नपूर्णा के मंदिर परिसर में ही वेद मंदिर भी है। हमारे जो चारों वेद हैं उनके जो एक मंदिर है वो भी यहाँ पे स्थापित है पीछे। हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? यार मेरी बैटरी डाउन लग रही है आज। हाँ थोड़ी सी। क्यों? वो क्योंकि ऐसी आज काम ज़्यादा करा है। हाँ ऑलरा दोस्तों, सो यहाँ पे अन्नपूर्णा परिसर में ही बाबा भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ टेम्पल भी यहाँ पे है और जस्ट बाजू में ही अवेलेबल है। और हमने सोचा कि बाबा महाकाल, बाबा भोले के दर्शन किए बिना कोई भी दर्शन हमेशा अधूरे ही रह जाते हैं हमारे। जहाँ पे भी हम जाते हैं इनको ज़रूर ढूंढते हैं, तो आज हमको मिल ही गए तो इनके भी दर्शन हम आपको करवा के ले आते हैं। आइए चलिए हमारे साथ। ऑल राइट दोस्तों, सो अगर आप इंदौर में रहते हैं और माँ अन्नपूर्णा के दर्शन आपने नहीं किए हैं अभी तक, तो आप ज़रूर आइए, माँ के दर्शन कीजिए। मस्ट विजिट प्लेस है ये एक इंदौर में, हम तो यही बोलेंगे। द्रविड़ शैली का ये आर्किटेक्चर है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 9वीं शताब्दी का ये मंदिर है, अगर हम अनुमान लगाएंगे तो लगभग 1300 साल पहले ये मंदिर बना था। तो आप देख सकते हैं इंदौर का सबसे पुराना मंदिर, इसीलिए इसको कहा जाता है। माँ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि भारतवासी कोई भी भूखा ना सोए, सभी को भरपेट खाना मिले, सभी को माँ का आशीर्वाद मिले। यहीं पे हमारा ये व्लॉग हम समाप्त कर रहे हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आया है तो उसको ज़रूर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माता जी जो हमसे छोटे हैं हम उनको आशीर्वाद माता जी का पहुंचा देंगे अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो, जो हमसे बड़े हैं वो हमको आशीर्वाद दे दें हमारा चैनल सब्सक्राइब करके, ठीक है? तो एंजॉय करिए, हम कोशिश करेंगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाते रहें। फिर मिलेंगे, बाय।